नवरात्रि में हम सब ने देवी की पूजा की, देवी का आवाहन किया, उनकी उपासना की। अब ये जानते हैं कि दशहरे के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और उस पूजा से लाभ क्या हैं। देखिए, दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। माता दुर्गा की पूजा तो होगी ही, क्योंकि भगवान राम की जो शक्ति है, जिनकी पूजा करके भगवान राम ने रावण को परास्त किया था, वो माता दुर्गा हैं, तो माता दुर्गा की पूजा तो होगी ही और साथ में भगवान राम की पूजा भी होगी। अगर आप माता दुर्गा की और श्री राम की पूजा करेंगे तो इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। जो अस्त्र शस्त्र आपने रखे हैं, इनकी पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से किसी तरीके का नुकसान नहीं होता। और दशहरे के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। सामान्यतः दशहरे का पर्व आता है चातुर्मास के अंतर्गत, तो चातुर्मास में नया और शुभ कार्य नहीं होता, लेकिन दशहरे के पर्व पर बहुत सारे लोग नए और शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। तो दशहरे के पर्व पर अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप नया काम करना चाहते हैं, तो दशहरे के पर्व पर मां दुर्गा की पूजा करके आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नवग्रहों को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं, नवग्रहों की बाधा को अगर आप दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी दशहरे की पूजा की जाती है। यानी देखिए, नवरात्रि के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपने पूरी नवरात्रि पूजा नहीं भी की है तो अष्टमी और नवमी तिथि पर पूजा जरूर करिए और दशहरे पर विशेष पूजा करिए। ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता और विजय की प्राप्ति अवश्य होगी।